नेवी रॉक्स टीम्स, तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा मेरी फेवरेट लीग का, मेजर लीग सॉकर का। लेकिन मेरे को दुख ये है कि सुबह 5:30 बजे वाला मैच है, तो इतनी जल्दी टीम नहीं दी जाती, क्योंकि आपको पता है हम रात को 12-1 बजे तक टीम्स देते हैं आपको, और अभी भी एक मैच होने वाला है उसकी भी टीम देनी है 18 मिनट बाद। लेकिन बात करें ये जो आप मैच देख रहे हैं PU वर्सेस PT के बीच, इसकी लाइनअप्स की बात, आप वैसे मैं फाइनल टीम कहाँ देता हूँ, वैसे मैं फाइनल टीम देता हूँ भाई अपने इस चैनल पर जिसका नाम है AB रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की, एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे जैसे कि आप खुद ही देख पा रहे हैं भाई हो, अपनी आंखों से ये खुद देख सकते हैं आप। तो चलिए भाई हो, आप एक बार चैनल का नाम ध्यान से देख लो, इसमें आपको जुड़ने का बहुत फ़ायदा है, भले ही इसकी टीम आए या ना आए, लेकिन जितने कल स्पोर्ट्स हैं नए, जितने भी कल न्यू लीग्स हैं उनकी सबकी टीम आनी है। चलिए बात करते हैं भाई इस मैच की। तो भाई ये जो मैच देख रहे हैं मेजर लीग सॉकर का, इसमें आप मीडियम इन्वेस्टमेंट के करने के साथ हेड टू हेड 3 मेंबर एंड 4 मेंबर खेल सकते हैं। तो वक्त आता है आपको टीम दिखाने का, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। बात करूँ सबसे पहले भाई आपको टीम दिखाने की, तो यहाँ से लेने वाला गोल कीपर से एस कलार्क को, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई ये काफ़ी अपनी टीम का स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जो कि इवन बहुत सारे मैचेस रोक रोक के पॉइंट इकट्ठे करता है। लेकिन ड्रीम इलेवन मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट इनको नहीं दे रहा कि जितने मर्जी गोल रोक लें, 4-5 गोल भी रोकेंगे तब भी इनको मिनिमम 2 से 3 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका कोई हमें दुख नहीं है। बात करूँ डिफेंडर की, यहाँ से लेने वाला टॉप का प्लेयर के वैगनर को जैसे कि आप जानते हैं विदाउट गोल एंड असिस्ट के 5 से 6 पॉइंट हर मैच में देने की क्षमता रखता है, क्योंकि इनकी जो बाकी टीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे से बात करूँ यहाँ से एक और प्लेस का हमें रेमन गुडिस, तो रेमन गुडिस यहाँ से आपको बहुत बढ़िया पिक मिलती है, जो कि सेफ बहुत है। अगर ये एक असिस्ट करता है और हमारी टीम में ना हुआ तो हमारा लॉस कन्फर्म है, लेकिन ये हमारी टीम में अगर है तो हम भाइयों काफ़ी सेफ हैं। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक अपना मेरा फेवरेट प्लेयर जिसका मैं मैम मैकेंजी के साथ मैं हर बार जाता हूँ, हर बार, मतलब ऐसा कोई मैच नहीं जिसके साथ मैं इसके साथ ना गया हूँ, क्योंकि ये प्लेयर काफ़ी बढ़िया खेलता है, इस एक आधी असिस्ट करने की पूरी पूरी क्षमता रखता है, और चाहो तो आप इसको रख सकते हो। और अगर बाई चांस कोई प्लेयर लाइनअप्स में नहीं हुआ तो याद रखना भाइयों, अगर मैं टीम ना दे पाया तो आपने जोनसी, जैसे मान लो कि कोई प्लेयर नहीं खेल रहा तो ये ध्यान रखना कि वो प्लेयर कौन सी टीम का है, तो अगर जैसे कि मान लो ये प्लेयर नहीं खेल रहा तो आपने अगला प्लेयर भी इसी टीम का उठाना है, जोनसी टीम का दूसरा प्लेयर हमने ड्रॉप किया है। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है बी टोलिमो, तो ये आपको बता दूँ बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो आप और भाई ये प्लेयर की खासियत ये है कि लाइनअप्स में बहुत कम होता है, लेकिन जब भी ये लाइनअप्स में होता है समझो उस दिन असिस्ट तो 100% कन्फर्म है, 100 नहीं 99% मान लो। और अगर ये नहीं खेलता बाई चांस मान लो, तो अगर आपको इसको ड्रॉप करके कोई भी मिड फील्डर भी ले सकते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बात करूँ भाई मिड फील्डर की, तो मिड फील्डर से लेने वाला हूँ एक और प्लेयर जिसका नाम है डी वैलरी, तो डी वैलरी इतना सेफ है क्योंकि भाई आप देख सकते हैं पिछले मैच में गोल करके गया था, और 29 जुलाई के मैच में इसने असिस्ट की थी, और उसके बाद मतलब 5-6 मैचेज टोटल खेला है, 6 मैचेज में 3 गोल्स प्लस 1 असिस्ट, तो ये प्लेयर से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बढ़िया है। और आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की जिसका नाम है जे मोंट्यूरो, आप इसको भी देख सकते हैं भाई, मतलब अभी आप देख सकते हैं कितने सारे मैचेस खेला है, और आप उसमें से सबसे मेन गोल तो इसने प्रीवियस मैचेस में किए हैं, जो कि 31 जुलाई को एक मैच था और एक 26 जुलाई को। और आगे से बात करूँ यहाँ से दूंगा एक और प्लेयर जिसका नाम है एलेजेंड्रो, क्योंकि ये भाइयों आपको नॉर्मल पिक मिलती है, एवरेज प्लेयर है, मैं ये नहीं बोलता बहुत ज़्यादा गोल करेगा, पर ये भी नहीं बोलता कि भाइयों ये फेल भी हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल खेल के जाएगा, असिस्ट भी कर सकता है, बाई चांस गोल भी कर सकता है भाइयों। सबसे मेन बात आती है स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो यहाँ से लेने वाला एक और प्लेयर जिसका नाम है एस ब्लैंको, आप देख सकते हैं 2 अगस्त के मैच में 90% सिलेक्शन, और उसी के बीच इसने किए थे भाइयों 1 गोल प्लस 1 असिस्ट, ये प्लेयर गोल ना करे ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपको बता दूँ। और आगे से बात करूँ यहाँ से आपको एक और प्लेयर मिलता है जिसका नाम है एस सेंटोस, जो कि आप देख सकते हैं 31 जुलाई के बाद अब मैच हो रहा है इनका, तो 2 गोल किए थे उसने उस मैच में, और मेरा भी कैप्टन था उस मैच में भाई, और बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है, आज भी मैं इसको एज अ कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन रखूँगा। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है जे इम्बोबिस वाइस कैप्टन की सबसे अच्छी पिक है, 3 मैचेस लगातार इसने हैट्रिक की थी, आप देख सकते हैं गोल गोल एंड गोल। और चलिए भाई आगे चलते हैं, बात करूँ मैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मेरा रहने वाला है एस ब्लैंको और वाइस कैप्टन एस सेंटोस, आप इस कॉम्बिनेशन को रिजर्व भी करके देख सकते हैं ग्रैंड लीग में, वो कॉम्बिनेशन आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि रिजर्व मतलब उल्टा कॉम्बिनेशन, जैसे जो मेरा कैप्टन है आप इसको कैप्टन बना सकते हैं, इसको वाइस कैप्टन उल्टा, और वैसे ये मेरी फाइनल टीम है समझो, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस कर लेना। बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ।